हेलो हेलो हेलो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को कहाँ जा रही हूँ। तो भाई रात नहीं है, सहरी का टाइम होने वाला है। और ये सड़कें, ओ माय गॉड, लाहौर की सड़कें रात के वक्त कोई इंसान नहीं भूल सकता। दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन जो फील इस वक्त यहाँ पे आ रही है ना, कहीं नहीं मिल सकती। ये जो फ्रेगरेंस है ना, ये हमारी फ्रेगरेंस लाहौर की। मैं कहती हूँ कि आपको कहीं चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगी। तो खैर, इस वक्त मैं जा रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर शीशा खोलने का अपना ही मज़ा है। तो मैं जा रही थी सहरी करने। अब ये सहरी कहाँ करने जा रही हूँ? गुलबर्ग जा रही हूँ। और सड़कें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। और मुझे जो है ना, वो इस टाइम ड्राइव करने का जो मज़ा है ना, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू। तो चलते हैं गुलबर्ग की तरफ। और गुलबर्ग जाने से पहले हम अपनी एक बड़ी ही मशहूर कवाली सुन रहे थे, जो कि आबिदा परवीन की है, बाला गलूला बे कमाले। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या फील आई है। और साथ चल रही है ठंडी हवा। तो इस फील को तो चलें छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ये अंडरपास जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जो वो नया बना भी, और राइट साइड पे डिफेंस की तरफ मुड़ जाता है, सीधा चले जाओ तो गुलबर्ग की तरफ चला जाता है। यार, हम गुलबर्ग जाने के बारे में इस वजह से सोच रहे थे बिकॉज यहाँ पे सब फ्रेंड्स पहले खाना खा चुके थे। अब ये अम्बरसरिया के बारे में मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले लाहौर की सड़कों को तो देख लें ज़रा। ज़रा अपनी आँखें तो ठंडी कर लें सब लोग। लाहौर गुलबर्ग पहुँच चुके हैं हम लोग, ऑलमोस्ट वी आर हेयर। चलें जी, तो यहाँ से हम टर्न ले लेंगे लेफ़्ट की तरफ, और बिल्कुल आर्केडियन के साथ ये हमें नज़र आ रहा है हाइलाइटर अम्बरसरिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने की है गाड़ी पार्क, जो कि बिल्कुल सामने है अम्बरसरिया के और आर्केडियन के। अब यहाँ पे इस टाइम हम लोग ये सोच रहे थे कि बहुत रश होने वाला है, बहुत जल्दी जाना चाहिए ना, तो हम 1.5 घंटा पहले ही आ गए। और हमें जाना होगा 5th फ्लोर पे। यस, 5th फ्लोर पे जाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे लिफ्ट यूज़ करेंगे। अब जब हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे रश होने वाला, उससे पहले हमें सीट्स मिल जाए, तो चल के देखते हैं कि ऊपर क्या सिनेरियो है। जी हाँ, तो अब हम ऊपर आ गए हैं 5th फ्लोर पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें टारगेट अचीव कर लिया है। मतलब ये कि इतना ख़ास रश नहीं मिला हमें, और हमें अच्छे से सीट्स मिल गई। और मैच यहाँ चल रहा था, बच्चे तो फिदाई हो गए और बैठ के देखने लग गए अपना मैच। तो मैं ज़रा नोटिस कर रही थी कि यहाँ पे क्या इस टाइम एम्बियंस है, और कैसा जो है ना वो यहाँ पे इन्वायरमेंट सहरी के टाइम पे है, क्योंकि दिन में तो बहुत रश होता है यहाँ पे। हमारे पास एग है, कुलचे हैं।
तो मैं ये देख रही थी यहाँ पे जो स्पेशलिटी है कॉन्टिनेंटल है, तो ज़्यादा जो है वो लोग इसी वजह से यहाँ पे आते हैं बिकॉज यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, जैसे मटन हरीसा की अगर बात करें तो अंदरून शहर से ज़्यादा चीज़ सिर्फ डालते हुए दिखाते हैं जी। अब भी टेस्ट हमें यहाँ पे जब मिलता है गुलबर्ग में तो इट यू नो फील्स गुड। तो लेट्स ट्राई कि कैसा लगता है हमें ये खाना। अच्छा, प्राइजेस की अगर बात की जाए तो 4000 का प्लेटर था, लेकिन टैक्सेस वगैरह डाल के 6000 में पड़ गया था, क्योंकि सिर्फ, लेट मी टेल यू, सिर्फ लस्सी का ग्लास 400 रुपए का है। सर चेक करें आप, प्राइजेस आर यू नो